मैं ये सपना है या फिर मैं सच्ची मर के जन्नू में आ गया हूँ? नहीं 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 नहीं, हमने को बिना बताए मर गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बोला बोला बीबी, छा गई गरीबी। मैं तो मलिका से लड़ रहा था, फिर कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, मलिका ने तो मुझे चिराग में बंद किया था, तो फिर कहीं ये मलिका तो नहीं जो लड़का बन के आ गई हो? मर गए। जिंदा हूं तो फिर इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे मलिका का सामना करना ही पड़ेगा, और मैं मलिका का सामना बहादुरी से करूंगा। अब खामोखा मुश्तंडी की जान लेने पे क्यों आमादा है? ये मेरा वहम था क्या? शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूछों को शर्म से नीचे कर सकती है। क्या कहा आपने अभी? हमारी हरकतों की वजह से बादशाह सलामत की मूछों को शर्म से नीचे कर सकती है। मुझे शुक्रिया हुजूर, हमारी जान बचाने के लिए। तुम्हारी खातिरदारी करने का जी चाह रहा है, आओ कभी हवेली पे। चिराग में मत बंद करना, मुझे बहुत डर लगता है, वहां बहुत अंधेरा होता है। ये मलिका कौन है? आप ही तो है मलिका, जो सारी दुनिया की सुल्ताना बनने का ख्वाब देखती है। हमारी मलिका, मेरी मलिका। मैं तुमको लड़की दिखता हूँ क्या? मलिका नहीं हो तुम, भूत भी नहीं हो। अरे भाई, तो तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। मेरा नाम सिर्फ अलादीन है, अब तुमको नाम तो सुना होगा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सबका पूरा नाम बोलता हूँ, इसलिए तुम्हारा भी पूरा नाम बोलूंगा।
बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। अलादीन नाम तो सुना होगा। लेकिन मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना, मैं समझा तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन नाम तो सुना होगा। अरे मेरा नाम सिर्फ अलादीन है, ये आगे पीछे कुछ नहीं है। अब समझा, तो तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। जो तुम्हारे दिल में आए ना तो मुझे बुलाओ। अरे भाई, जो मेरे दिल में आएगा वो क्यों बुलाऊंगा, जो तुम्हारा पूरा नाम है वही बुलाऊंगा, सिर्फ अलादीन नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? इस नाचीज को हसन उल रहमान बिन तुगला। मेरे पैर कहाँ? अरे मेरे पैर कहाँ? लेकिन तुम तो अभी उड़ रहे थे ना, तुम्हें क्या पैर की जरूरत है? मैं उड़ रहा था। हम जुल्म नहीं इंसाफ करते हैं। तुम्हें सजा मिल गई, जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया तो हमारा तब अता करना जब तुम्हें तरक्की मिल जाए। तरक्की? तुमने आज तक बादशाह की खिदमत की है, आज हम तुम्हें तरक्की देकर ऊपर वाली की खिदमत के लिए भेज रहे हैं। अब जल्द काला चोर चिराग लेकर आ जाएगा और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब तुम रो क्यों रहे हो? इतने खूबसूरत पैरों को इन्हें जमीन पर ना रखेगा वरना मैले हो जाएंगे। अब जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पैर कैसे छुएंगे? और अब मैं पता नहीं उड़ क्यों रहा हूं। चुराना क्या है? एक चिराग। मैं समझा। शरीफ आदमी ने ये चिराग लेने क्यों भेजा था? क्योंकि ये भूत नहीं है बेटे की, तुम ये एक जिन है। तुम एक जिन हो। मुझे तुम्हारी तरह इंसान बनना है, मुझे मेरे पैर वापस चाहिए। कैसे ये झूठ है? मैंने तो अम्मी से सुना था कि जिन तो बहुत ताकतवर होते हैं, खतरनाक होते हैं, दुनिया का हर जादू जानते हैं, पर ये जिन तो जिन्नत के नाम पर धब्बा है।
तुम जिन हो, तुम हमें गुफा से बाहर निकाल सकते हो। हमें गुफा में, हम गुफा में, मुझे मुझे गुफा में सांस नहीं आती, गुफा में शेर भालू होता है, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा। अरे मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, जिन तुम, जादू वादू तुम्हें आता है, आप हसन चलो कुछ जादू वादू करो, उठो। अरे हाँ, चीनी चीनी चीनी, मैं तो जिन हूँ, मुझे वादू तो नहीं आता मगर जादू जरूर आता है। अब तुम पीछे हटो और देखो मेरा कमाल। शादी में बचता है दूल्हे का पाचा, खुल जा दरवाजा, खुल जा। ये मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अलादीन नाम तो सुना होगा के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, एक मर्तबा और कोशिश करता हूँ। शादी में बचता है दूल्हे का पाचा, खुल जा दरवाजा, खुल जा। ओ, फिर कुछ नहीं हुआ। एक तो मेरे पैर पहले ही कट चुके हैं, अब मेरी नाक भी कट गई। चीनी चीनी चीनी, मैं वहां इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम यहां पे आराम फरमा रहे हो। मैं एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। नहीं, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, क्या हुआ? तुम अपना जादू गुफा पे नहीं मुझ पे करो। अरे कैसी बात कर रहे हो, अगर मैंने अपना जादू तुम पर आजमाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम अपना जादू संभाल नहीं पा रहे हो, तुम गुफा पे करते हो मुझ पे होता है, मुझ पे करोगे गुफा पे होगा, जो कह रहा हूँ करो। चीनी, चीनी, चीनी। देखो दिल तो नहीं कर रहा पर ऐसा लगता है तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। खुल जा दरवाजा, खुल जा, शादी में बचता है दूल्हे का पाचा। मारा जादू फिर से काम नहीं किया। जंग लग गई है ना। लगता है हम गुफा में ही रह जाएंगे। वो अजनबी था। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि मुसीबत में अकेला छोड़ के जाना सराफत नहीं होती। न जाने फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना गुजर गया। रह रहकर अपनी अम्मी का जिक्र कर रहा था। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां। ऊपर वाले उसकी अम्मी को यह गम सहने की ताकत देना, बेचारा वक्त से पहले चला गया। मेरे लिए दुआ करम कि मैं कामयाब होकर लौटूं। मेरी तो उम्मीद भी तू है और मेरा ख्वाब भी तू अलादीन। ख्वाब को आंखों से ज्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए। अब अपनी अम्मी के पास लौटो। कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, घर से जाना आसान है पर लौट के आना बहुत मुश्किल। कहीं अलादीन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। भाभी माफ करना बहन, पर ऐसे वक्त में बुरे ख्याल आ ही जाते हैं। अम्मी, वो भाई मेरा भाई घर कब तक आएगा? वही सोचकर तो मेरा दिल पसीजता जा रहा है मेरे लाल। एक तो ये जालिम जमाना, ऊपर से बगदाद के बाहर रेगिस्तान में न जाने कैसी अला फला चीजें, सांप, बिच्छू, चुड़ैल,
भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। कसम सोने की अशर्फियों की, कहना तो नहीं चाहिए पर अलादीन के लिए दिल में बड़ी घबराहट हो रही है। मेरे अलादीन के साथ ऊपर वाले की रहमत है, वो सही सलामत लौट आएगा। कहीं ऐसा ना हो अलादीन भी अपने अब्बू की तरह वापस ही ना आए। अपनी अम्मी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। क्यों रुखसार, कुछ पता चले तो हमें बताना जरूर। और कोई भी जरूरत हो ना रुखसार, रात बिरात अपनी बहन नाजनीन को आवाज दे देना। कहाँ है तू बेटा अलादीन, जल्दी आ जा। लगता है इस नौजवान का सफर यहीं खत्म हो गया। आप मेरे लिए रो रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़के। रो रहे थे, छुपाइए मत, दिखाइए दिखाइए। तुम बाहर कैसे आए? वो लाया। वो कौन? चिराग का चिन्ह वाकई है।